So today's video is sponsored by educative.io, and we are going to look at this course, Ace the Java Coding Interview. And in this course, we have 55 hours of content, 490 lessons, 44 quizzes, 1,371 playgrounds. And in this course, you can see there are multiple questions on each and every data structure, like string, arrays, linked list, stack and queues, heap, trees and tries, graphs, and so on. And with that, we have multiple algorithms as well, like graph algorithms, divide and conquer, greedy algorithms, sorting and searching, and then we have recursion, and we have dynamic programming, and we have lots and lots of questions in each and every one of these topics. So we will go into one of these topics. So for example, let's look at 01 knapsack. So here is the problem statement. Then you can look at the knife solution. So there is the knife solution graph, and then you have the code in multiple languages here directly built into the browser that you can run and see like how the code is working. Then you have multiple approaches to the same problem, and this is the thing that I like the most about this website, that you can visually check at which step what is happening, so you know like what is happening behind the scene at each and every step. So this is very powerful and useful tool, and this is the process that they repeat with each and every questions that they have. So do check out educative.io and look at all the courses that are available here, and you can go to educative.io/anuj to get a 10% discount on each and every course, and you can also buy a subscription for month or annual basis. Hey, what's up guys, Anuj here, and welcome to the DSA-One course. And today we क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैशिंग के ऊपर ही. तो हमने पिछली वीडियो में देखा था किस तरीके से आपका हैशिंग काम करता है जावा के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर. तो ये क्वेश्चन कुछ बिगिनर लेवल क्वेश्चंस हैं. इन क्वेश्चंस को कर लेने के बाद हमें पता चल जाएगा किस तरीके से आपका हैशिंग यूज होता है एप्लीकेशंस, मतलब रियल वर्ल्ड क्वेश्चंस के अंदर किस तरीके से आप यूज कर पाते हो, सो दैट आप अगर बड़ी प्रॉब्लम्स होगी तो उसके अंदर आपको समझ में आएगा किस तरीके से यूज होता है. ठीक है, तो आज हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम करने वाले हैं, इसके बाद हम थोड़ी एडवांस प्रॉब्लम्स भी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर. पहली प्रॉब्लम है हमारी काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. तो काउंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट सुनकर लग रहा हो कि आपको एक एरे दे रखा है, उसके अंदर आपको बताने कितने एलिमेंट्स इसके अंदर डिस्टिंक्ट हैं. हो सकता है आपके रिपीटिंग एलिमेंट्स भी हों एरे के अंदर, लेकिन आपको बताने इसके अंदर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने हैं. जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर देखो आप, तो 5, 10 और 4 ये तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं इसके अंदर. ठीक है, तो आंसर है हमारा 3. आपको 5 यहाँ पर 3 बार रिपीट कर रहा है, 10 आपका 2 बार रिपीट कर रहा है, लेकिन डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपके सिर्फ 3 है. सिमिलरली इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपके 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, 3, 4 और 5, तो आंसर है हमारा 3. यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट है विच इज 5, इसलिए आंसर है हमारा 1. ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन होगा, आपको एक एरे दिया होगा और आपको बताना होगा कि इस एरे के अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं. तो इस क्वेश्चन को जरा नाइव तरीके से सोचने का ट्राई करो, मतलब इस तरीके से सोचो कि आपको पता ही नहीं यहाँ पर हैश लग सकता है. ठीक है, और तब सोचो किस तरीके से करेंगे इसे, और उसके बाद फिर ऑप्टिमाइज वे में बताऊँ किस तरीके से काम होगा. तो अगर आप लोगों ने सोचा होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप लोगों ने नाइव सोल्यूशन सोचा होगा तो बहुत ही सही है, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्टिमाइज वे जो होने वाली है सेट का यूज करके वो मैंने यहाँ पर नोट कर दिया, इसको समझेंगे. लेकिन सबसे पहले नाइव सोल्यूशन समझते हैं. ठीक है, नाइव सोल्यूशन के ऊपर आना भी बहुत जरूरी होता है. तो यहाँ पर वो जो आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन या फिर नाइव सॉल्यूशन जो भी कर लो, वो होने वाला है वो ये होगा कि आप एक एक करके एलिमेंट में इटरेट करोगे. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारे एलिमेंट में जाओगे, और जब भी कोई एलिमेंट पे आप जाओगे तो वहाँ पर आप चेक करोगे ये एलिमेंट पहले प्रेजेंट था या नहीं था. अगर ये एलिमेंट इससे पहले कहीं भी प्रेजेंट था तो इसको काउंट मत करो, अगर ये पहली बार मिल रहा है तो इसको काउंट कर लो. ठीक है, इस तरीके से आप डुप्लीकेट एलिमेंट को इग्नोर करोगे. तो वो चीज़ आप किस तरीके से अचीव कर सकते हो, आप आओगे पहले एलिमेंट पर, सपोज करो यहाँ पर आप आए, और यहाँ से लेकर यहीं तक एक दूसरा लूप चलेगा, इसके अंदर इनर लूप भी होगा, वो इस पोजीशन से लेकर इसी पोजीशन तक चलेगा क्योंकि ये फर्स्ट एलिमेंट है, और आप देखोगे ये एलिमेंट रिपीट तो नहीं कर रहा. आप बोलोगे नहीं रिपीट नहीं कर रहा, ये एक ही बार एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आप यहाँ पे अपने रिजल्ट वाले काउंटर को एक इंक्रीमेंट कर दोगे. ठीक है, अब इसके अंदर हो जाएगा 1. देन आप अगले एलिमेंट पर आओगे, उसके बाद आप 0 से लेकर यहाँ तक अगला इनर लूप चलाओगे. आप देखोगे 10 कहीं और भी तो प्रेजेंट नहीं है इससे पहले, तो आप देखोगे 10 प्रेजेंट नहीं है कहीं भी, तो आपको क्योंकि 10 प्रेजेंट नहीं था तो आप इसको अपडेट कर दोगे, ये हो जाएगा 1 से 2. देन आप 15 पे आओगे, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक अगेन अपना लूप चलाओगे, आप बोलोगे 15 कहीं प्रेजेंट तो नहीं था, आप देखोगे 15 कहीं प्रेजेंट नहीं है, 15 प्लस पहली बार यहाँ मिल रहा है, आप रिजल्ट को देन अगेन इंक्रीमेंट कर दोगे. देन आप आए इस 5 के ऊपर, आप चेक करोगे इससे पहले कहीं 5 तो नहीं मिला, तो आप देखोगे हाँ यहाँ पर 5 ऑलरेडी मिल चुका है, इनर फॉर लूप में आपको देखा कि हाँ 5 मिल गया, तो आप यहाँ से ब्रेक कर जाओगे और इस बार रिजल्ट को इंक्रीमेंट नहीं करोगे. ठीक है, उसके बाद आप 4 पे आओगे, आप चेक करोगे 4 इससे पहले कहीं प्रेजेंट तो नहीं है, तो आप देखोगे 4 कहीं प्रेजेंट नहीं है, तो आप रिजल्ट वाले इसको कर दोगे इंक्रीमेंट, हो जाएगा आपका 4. देन आप यहाँ पर आओगे और आप देखोगे 5 कहीं प्रेजेंट तो नहीं है, फिर आपको 5 मिल जाएगा अगेन यहाँ पर, तो आप बोलोगे ठीक है 5 ऑलरेडी प्रेजेंट था तो हमें रिजल्ट को इंक्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है. तो इस तरीके से आपका रिजल्ट आएगा 4, आप रिटर्न कर दोगे. आप अगर यहाँ पर देखोगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ एन स्क्वायर, यहाँ पर हम कोई स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट स्पेस के अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ एन स्क्वायर. इसको हम लेकिन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग सेट, और बहुत ही सिंपल सोल्यूशन रहने वाला है, आप जरा वो समझते हैं. इसका मैं कोड नहीं करने वाला, इसका कोड आप खुद करने का ट्राई करना अगर आपको करना है तो, बाकी आप ऑप्टिमाइज वे में देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होने वाला है. तो मैंने यहाँ पर जावा और सी प्लस प्लस दोनों में ही कोड कर दिया, आपकी जो भी लैंग्वेज होगी आप चूज कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी याद होगा ये वाला जो कोर्स है कोई लैंग्वेज एग्नोस्टिक है, पूरा लैंग्वेज पर डिपेंडेंट नहीं है. तो अगर आपको जावा आती है, सी प्लस प्लस आती है, कोई भी लैंग्वेज आती है, आप इसको फॉलो कर सकते हो. पाइथन जावास्क्रिप्ट के अंदर आप खुद से भी इंप्लीमेंट कर सकते हो. डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स का कोर्स है यार, DSA-One लैंग्वेज नहीं सीख रहे होंगे हम यहाँ पर बैठ के. ठीक है, तो बस मैंने आपको बता दिया जावा सी प्लस प्लस के अंदर ये कोड होता है, उसके बाद से आप लोग खुद ही इंप्लीमेंट कर सकते हो क्योंकि बहुत ही सिमिलर है.
आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है जावा के अंदर, C++ के अंदर, ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर। तो आप जरा देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर इंप्लीमेंट किया। तो बहुत ही ईजी सोल्यूशन है। सबसे पहले हमने एक सेट बनाया, तो सेट ऑफ इंटीजर इक्वल्स टू न्यू हैश टैग। तो ये भी एक तरीका होता है, हम यहाँ पर इंटरफेस मेंशन कर देते हैं विच इज सेट, और यहाँ पर उसका इंस्टेंस है हमारा हैश सेट का ये। उसके बाद एक एक करके हमने सारे सारे एलिमेंट इसके अंदर डाल दिए सेट के अंदर। तो हमें पता है कि जो सेट होता है उसके अंदर सारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होते हैं। मतलब आप अगर पहले 5 डालोगे, देन 10 डालोगे, फिर 15 डालोगे, फिर अगेन 5 डालने का ट्राई करोगे, तो ये आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, मतलब 5 को नहीं डालेगा, राइट, ओवरराइड हो जाएगी ये वैल्यू। तो इसका मतलब इतने करने के बाद भी इसका साइज जो है वो 3 ही रहेगा। देन आप 4 डालोगे, देन 5 अगेन डालोगे, तो अब इसका साइज जो होगा वो 4 ही होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है। तो सेट क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखता है, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और रिटर्न कर देंगे सेट डॉट साइज, तो हमें मिल जाएगा कि इसके अंदर कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये था इसका जावा के अंदर। सिमिलरली सेट मैंने यहाँ पर C++ में भी लिखा हुआ है, अनऑर्डर्ड सेट बनाया पहले मैंने, देन एक एक करके सारे सारे एलिमेंट में इटरेट किया यूजिंग फॉर ईच लूप। उसके बाद सारे सारे एलिमेंट हमने इंसर्ट कर दिए यूजिंग इंसर्ट फंक्शन। उसके बाद हमने साइज रिटर्न कर दिया, क्योंकि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे सारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। ओके, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, विच इज यूनियन ऑफ टू एरेज। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको दो एरे दे रखे हैं, और आपको उनका यूनियन करना है, और यूनियन करने के बाद आपको रिटर्न करने के साइज क्या रहने वाला है, ठीक है। तो एरे के अंदर जो क्वेश्चन है, इन दोनों ही क्वेश्चन के अंदर जो आपका एरे है वो आपका अनसॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो अनसॉर्टेड एरे आपको गिवन है, और उसके बाद जब आप इनको यूनियन करोगे, तो यूनियन करने के बाद जो सेट बनेगा उसका आपको बेसिकली साइज रिटर्न करना है। तो जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, आपके पास दो एरे हैं, फर्स्ट एरे एंड सेकंड एरे, इन दोनों को जब हम मर्ज कर देते हैं तो ये वाला सेट बनता है। इस सेट का जो साइज है वो हमने रिटर्न कर दिया 4, ठीक है। तो 5, 10, 15 एंड 4 यही होंगे यूनिक एलिमेंट जो होंगे इनको यूनियन करने के बाद। अगेन यहाँ पर आते हैं, तो इस वाले सेट के अंदर आपके 10 एलिमेंट है, इस वाले के अंदर आपका 10 एलिमेंट है। तो ये दो एरे थे हमारे पास, इन दोनों को हमने जब यूनियन किया, तो यूनियन करने के बाद जो सेट होगा उसका साइज होगा सिर्फ 1, ठीक है। तो इसलिए हमने रिटर्न कर दिया 1। तो ये वाला आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें सोच रहे हैं किस तरीके से हमें इसे ब्रूट फोर्स से करना है, उसके बाद हम देखें किस तरीके से इसमें सेट लग सकता है, और सेट की हेल्प से हम इसे कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके आप लोगों के दिमाग में आ रहे होंगे। एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप इन दोनों एरेज को लो और सॉर्ट कर लो, एक नया एरे लिस्ट बनाओ और सारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट इस एरे लिस्ट के अंदर डालो और उसके बाद रिटर्न कर दो, ठीक है। तो सॉर्ट करने का फायदा क्या है, सॉर्ट करने का फायदा ये होगा कि सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ही इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। तो 5, 5, 10, 15 इसके अंदर हो जाएगा, 4, 10, 15 इसके अंदर हो जाएगा, जो भी दोनों में से छोटा पहले मिलेगा। तो 4 और 5 में से छोटा कौन सा, 4 छोटा है, 4 को पहले डाल दिया। देन 5 और 10 में से छोटा कौन सा होगा, 5 छोटा होगा, 5 को डाल दिया। देन अगले वाले 5 को नहीं डालेंगे, क्योंकि वो वाला 5 तो वही वाले 5 को इक्वल है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ जाएंगे, 10 पे आ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से सारे सारे यूनिक एलिमेंट इसमें डालेंगे और उसके बाद इसका साइज हम रिटर्न कर देंगे, तो वो भी एक आंसर हो सकता है। या फिर एक होगा आपका यूनियन यूजिंग सेट, ठीक है। तो हम सेट को भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी n log n + m log m, क्योंकि सॉर्ट करने में आपके n log n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है। लेकिन अगर यहाँ पर हम इसे देखेंगे तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है बिग ऑफ n + m, जहाँ पर n इसका साइज है, m इसका साइज है। तो ये एक बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाली सोल्यूशन है इसके अंदर। लेकिन आपका यहाँ पर स्पेस यूज हो रहा है, स्पेस आपको यूज हो रहा है बिग ऑफ n + m अगेन। लेकिन देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। बेसिकली आपने कुछ नहीं किया, एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उनको सभी को आपने एक सेट में डाल दिया, और उसके बाद दूसरे वाले एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट थे उसको भी सेट में डाल दिया, और उसके बाद इस वाले सेट का जो भी साइज होगा वो आपने रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो क्योंकि सेट की खुद की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर सारे सारे एलिमेंट डिस्टिंक्ट होते हैं, इसीलिए इसके अंदर जब आपने इस वाले सेट के एलिमेंट को डाला तो सारे सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो भी इसके अंदर होंगे वो सारे सारे डल जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एरे लिस्ट यूज़ नहीं कर रहे, सपोज करो हम यहाँ पर सेट यूज़ कर रहे हैं। तो पहले वाले सेट के अंदर जब हमने सेट के अंदर एलिमेंट डाले, तो 5, 10, 15 एंड 5 इस तरीके से डाले, तो इसके अंदर डालेंगे सिर्फ 5, 10 एंड 15। उसके बाद हमने दूसरे वाले एरे के एलिमेंट भी इसी सेट में डाल दिए, तो 10 डालने का ट्राई करेंगे, लेकिन 10 तो ऑलरेडी है तो 10 जाएगा नहीं, 15 भी नहीं जाएगा, 4 चला जाएगा, ठीक है। तो 4 चला जाएगा, उसके बाद इस सेट का साइज होगा 4, तो हमने वो 4 रिटर्न कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन काम कर रहा है, आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से यूनियन वाला क्वेश्चन आपका काम कर रहा है। आप चाहो तो ये जो सेट होगा इसको रिटर्न भी कर सकते हो, चाहो तो अगर प्रिंट करने के लिए बोला तो इस सेट को प्रिंट भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो सकता है। अब अगले क्वेश्चन मूव करते हैं, विच इज इंटरसेक्शन ऑफ टू एरेज। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी अगेन आपको दो एरेज दे रखे हैं और दोनों ही अनसॉर्टेड एरे हैं, और उन दोनों एरेज को इंटरसेक्ट करना है, मतलब दोनों एरेज को जब मर्ज करेंगे तो उसके जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा उसमें कितने एलिमेंट्स हैं वो आपको रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो एरेज हैं, इन दोनों एरेज के अंदर बेसिकली कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन हैं उनका साइज आपको रिटर्न करना है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें दिख रहा है 15 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, देन 10 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। 10 एक और है यहाँ पर, लेकिन हमें सिर्फ इंटरसेक्शन रिटर्न करना है। अगर यहाँ पर दो बार 10 भी होता तो भी आपका आंसर 2 ही आता, ठीक है, क्योंकि आपको यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न करना है कि इंटरसेक्शन के अंदर यूनिक एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं। अगेन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 3, 4, 5 तीन एलिमेंट थे, यहाँ पर आपके पास दो एलिमेंट है 1 और 2, तो इंटरसेक्शन के अंदर 0 एलिमेंट है इसके अंदर, ठीक है। दोनों में से दोनों एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि कॉमन हो, तो इसलिए यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 0।
तो इसे सोचो किस तरीके से सेट का यूज करके कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पर इसे कोड कर दिया यूजिंग सेट। अगर आप देखोगे तो पहले वाले सोल्यूशन के जैसा ही है, यूनियन वाले जैसा ही कोड है इसका। थोड़ा सा एक ट्विस्ट आ रखा है, थोड़ा सा एक चेंज है, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही है। तो बेसिकली हमने पहले एक सेट बनाया यूजिंग हैश सेट, देन एक जो एरे था कोई सा भी एरे पकड़ लो, हमने पहले वाले एरे को लिया और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट थे उस सेट के अंदर मैंने डाल दिए। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक सेट बन जाएगा। सपोज करो ये हमारे पास एरे था, तो हमारे पास अब एक सेट बन चुका है जिसके अंदर ए वाले एरे के अंदर जितने भी यूनिक एलिमेंट्स थे वो सारे सारे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, अगले वाले एरे के अंदर मूव कर रहे हैं हम, और एक एक करके हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस वाले एरे के अंदर ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर सेट के अंदर प्रेजेंट है तो हम अपने काउंटर भी मेंटेन करके चल रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो काउंट हमने बना रखा एक, तो यहाँ कहीं पे काउंट बना लेना आप लोग, मैंने बनाया नहीं, ठीक है। तो सपोज कर मैंने यहाँ पे बना लिया काउंट, तो काउंट हमने बना लिया यहाँ पर। काउंट को हमने इनिशियलाइज किया जीरो से। उसके बाद बी वाले एरे के अंदर हमें मूव करना है। सबसे पहले हम इस वाले एलिमेंट पाए, हम चेक करें क्या ये वाला एलिमेंट इस सेट के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है। अगर प्रेजेंट है तो इस काउंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे, तो प्रेजेंट है क्योंकि, तो हम इस काउंटर को कर देंगे इंक्रीमेंट, तो अभी यहाँ पे हो जाएगा वन। उसके बाद इस सेट में से रिमूव भी कर देंगे इस एलिमेंट को। रिमूव क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वाला एलिमेंट दोबारा से काउंट हो, राइट, क्योंकि हम चाहते हैं इंटरसेक्शन के अंदर सिर्फ यूनिक एलिमेंट्स ही आए। तो इसके बाद हम इस 15 को यहाँ से हटा देंगे। उसके बाद अगले एलिमेंट मूव करेंगे, अगला एलिमेंट है यहाँ पर 5 को चेक करेंगे, 5 इसके अंदर है, हाँ 5 इसके अंदर है, तो इसको हम इंक्रीमेंट कर देंगे, वन से हो जाएगा 2, देन 5 को हम इस सेट में से हटा देंगे। उसके बाद क्योंकि अब देख रहे हो अब यहाँ पर दोबारा 5 आ रहा है, अगर हमने 5 को यहाँ से हटाया नहीं होता तो ये दोबारा से काउंट हो जाता, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते थे इसलिए हमने 5 को यहाँ से हटा दिया था। देन अगेन 5 आया, 5 चेक करके इस सेट के अंदर 5 प्रेजेंट है, 5 इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो काउंटर हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा। अब आएंगे हम 10 के पास, तो 10 प्रेजेंट है, हाँ 10 प्रेजेंट है, और काउंटर को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद 4, क्या 4 इस सेट के अंदर प्रेजेंट है, 4 इस सेट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसलिए काउंटर इंक्रीमेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 3। और जो हमारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे वो होंगे हमारे 5, 15 एंड 10, ठीक है। ये तीन हमारे एलिमेंट्स होंगे जो आपके इंटरसेक्शन में आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये वाला कोड काम कर रहा है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये थे आपके बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन सेट के अंदर। इससे आपको समझ में आ गया किस तरीके से सेट यूज़ होता है, किस तरीके से सेट आपका रियल वर्ल्ड रियल क्वेश्चन के अंदर यूज़ होता है। इसके बाद आने वाली वीडियोज़ में थोड़े अच्छे क्वेश्चन हम देख रहे होंगे यूजिंग सेट, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से इंटरनल वर्किंग ऑफ हैश सेट काम करता है, ठीक है। इसी के साथ मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ साथ कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, चलते हैं, बाय बाय।